नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक एडवर्टाइजमेंट की, या नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं हम, जो कि आया है SBI से और जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स, एक तरफ से आप क्लर्क भी कह सकते हो। तो उसके लिए, तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत से नोटिफिकेशन, मतलब जो बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हिमाचल की जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उस पर वीडियो कब बनेगी, तो वो मंडे से आपको मिलेगी। कल आपको जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी एक Q&A सेक्शन पे, उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे दोबारा से। बट ये नोटिफिकेशन जरूरी था तो इसकी वीडियो मुझे आज ही डालनी पड़ रही है। तो हम बात करेंगे क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, मेन मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको फिलअप कर सकते हो और साथ ही साथ इसकी नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, ठीक है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो 20/1/2018 से 10/2/2018 तक, यानी कि 20 तारीख जो है उसे आप 10 फरवरी तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें इसकी प्रीलिम एग्जामिनेशन की, प्रीलिम इसका कब होगा, तो वो होगा मार्च और अप्रैल 2018 में। मार्च में भी हो सकता है आपका और अप्रैल में भी हो सकता है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। और अगर बात करें इसके मेन एग्जामिनेशन की, तो मेन एग्जामिनेशन जो होगा इसका वो होगा 12/5/2018 को, यानी कि 12 मई 2018 को, ठीक है। और एक और बात इन्होंने लिखी है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक रेगुलरली बैंक वेबसाइट्स, ठीक है। तो आपको रेगुलरली यहाँ पर बैंक वेबसाइट दी है, आप चेक करते रहिएगा, कुछ भी इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको वहाँ पता लग जाएगा। तो नीचे थोड़ा स्क्रोल डाउन करते हैं, आप देखते हैं इसमें वैकेंसीज कितनी है। अगर बात करें, मैं आपको टोटल पे ले जाता हूँ, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 7200 प्लस, मतलब 8000 के करीब इसमें हैं जो वैकेंसीज हैं। बट ये हिमाचल से रिलेटेड ज़्यादा, मेरे पास जो सब्सक्राइबर है हिमाचल से रिलेटेड है, तो हम हिमाचल की बात करते हैं। सभी की आप देख सकते हो एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके कि किसकी कितनी है। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ यहाँ पर ऐड है कि लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई कैंडिडेट होता है जो, वो अगर मान लीजिए कोई हिमाचल का कैंडिडेट है, तो वो कई बार किसी दूसरे स्टेट से, अगर सीट्स के अकॉर्डिंग कि दूसरे स्टेट में सीट जाता है तो वहाँ से फिलअप कर देता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको वहाँ की जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है वो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि आपका बाद में लैंग्वेज टेस्ट भी होता है एक, ठीक है। बट अगर हिंदी आपको आती है तो जो तो अगर मान लीजिए गुजरात का ही फिलअप कर रहा है कोई पर्सन, तो उसका आई थिंक नहीं होगा। बाकी आपको अगर यहाँ पर लैंग्वेज गुजराती नहीं है तो गुजराती आपको आनी कंपलसरी है, तो इसलिए देखकर भरें कहीं से भी आप भरते हो। तो जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी है तो आप यहाँ से भर सकते हो, पर वैसे अगर आप खुद के स्टेट से भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब चलिए बाकी आपकी मर्जी है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सीट्स की। तो हिमाचल प्रदेश में जो जनरल की सीट्स हैं वो हैं हमारे पास 76, ठीक है। SC की हमारे पास हैं 36, ST की 5 हैं, OBC की 29 हैं, और अगर टोटल की बात करें तो 146, ठीक है, टोटल की अगर बात करें। बाकी ये PWD अलग से सीट्स हैं, ठीक है, एक्स सर्विस मैन की 15, XS, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मल बात करें जनरल SC, ST और OBC की, तो टोटल सीट्स जो हैं वो 146 है, ठीक है। इसी हिसाब से अहमदाबाद में 500 और जगह बहुत ज़्यादा है, 146 है, पर कहीं बहुत कम भी हैं। तो हिमाचल की अगर बात करें तो 146 146 सीट्स हैं, तो 146 सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कर आप दूसरे स्टेट से भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप हिमाचल से ही फिलअप कर सकते हो फॉर्म, बट आप एक ही जगह से फिलअप कर सकते हो। मान लीजिए आप यूपी से कर रहे हो, ठीक है, तो हिंदी उर्दू तो 885 सीट है वहां पर, ठीक है, बट वो आपकी मर्जी है आप कहाँ से करते हो। तो ये है टोटल सीट्स। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन से अगर ढंग से चेक करना चाहते हो, मैंने आपको हिमाचल की बता दी है, बट आप फिर भी किसी और स्टेट की देखना चाहते हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हो। थोड़ा नीचे चलते हैं ड्रॉप मेन्यू में, तो यहाँ देख लीजिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है। एज लिमिट बताई गई है, ठीक है, 20 से 28, नॉट बिलो 20 ईयर्स और नॉट अबव 28 ईयर, मतलब 20 से कम और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दी है, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है। अगर आप सिंपली ग्रेजुएट हो, ओपन से भी हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लास्ट ईयर वाले अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आप कॉलेज में हो आपका लास्ट ईयर, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। साफ तरीके से इसमें मना है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आपका अप्लाई करने से पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पर वो दी गई है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थोड़ा नीचे जाकर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो प्री की बात करेंगे, प्री एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 आवर, ठीक है, और ये 3 सेक्शन होंगे इसमें।
तो पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें 300, और जो मार्क्स होंगे वो भी, सॉरी 300 नहीं, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30, यानी कि 30, और मार्क्स होंगे वो भी 30 होंगे। 20 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि आप यहाँ पर ड्यूरेशन है वो डिवाइड कर दी गई है, 20 मिनट इसकी, 20 मिनट इसकी, और 20 मिनट यहाँ पर रीजनिंग की, और 20 ही न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अब यहाँ पर 20 मिनट से मतलब है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन कर रहे हो और आप 20 मिनट में करते हो, और मान लीजिए आपके 30 में से अभी 25 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो आपका वो टेस्ट वहां पर फिर इंग्लिश सेक्शन का बंद हो जाएगा। मतलब आपको 20 मिनट में ही उसको सॉल्व करना है 30 क्वेश्चन को, और अगर आप 20 से पहले सॉल्व करते हो तो फिर भी ये टेस्ट, मतलब जो ये आपका सेक्शन होगा, ये आगे नहीं जाएगा। 20 मिनट आपको पूरे, मतलब आप इसके 20 मिनट में से इसके 5 मिनट यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो, और इसके 5 मिनट यहाँ पर नहीं, 20 मिनट आपको इस सेक्शन में लगाने हैं। अब वो आपको देखना है कि किस तरह से आप यूज करोगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के, 20 नंबर के, मतलब 20 मिनट मिलेंगे आपको। और रीजनिंग एबिलिटी में 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के, और आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, 1 घंटे का पूरा टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्री प्री का रहेगा। मेन की अगर बात करें तो मेन का जो रहेगा आपके पास आएंगे सेक्शन 4, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस आएगी आपके पास, 50 क्वेश्चन आएंगे, और मार्क्स भी 50, आपको 35 मिनट मिलेंगे। जनरल इंग्लिश में 40 क्वेश्चन आएंगे, फिर आपको 40 ही मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, 35 मिनट टाइमिंग मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही मार्क्स होंगे, और 45 मिनट मिलेंगे इसके लिए। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड इकट्ठे है ये, ठीक है, साथ में आपको रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के, तो ये 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, तो आपको 45 मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और ईच यहाँ पर लिखा है कि ईच जो सेक्शन है उसकी सेपरेट टाइमिंग होगी। जो आपका टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, दोनों में होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन बेशक दे रहे हो टेस्ट, ऊपर एक आपको ऑप्शन आ जाता है, अगर आप कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 आपका मार्क्स कटेगा, वो आपको पता ही है, आपने पहले भी टेस्ट दिए होंगे जो भी है। तो ये था इसका कुछ। और अगर फीस की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन की है 100, और बाकी जनरल और OBC की आपको पता ही होती है 600, ठीक है, ये आपकी वो रहेगी फीस। अब बात कर लेते हैं जो कॉल लेटर आएंगे वो आएंगे आपके मार्च में, 1 मार्च के करीब आपको कॉल लेटर मिल जाएंगे, वो आपको मिलेंगे आपकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और कहीं भी आपको पोस्ट के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। तो ये आपको पता ही है कि आपको डाउनलोड वहीं से करने हैं, आप तो मार्च के 1 तारीख को देख सकते हो उसको। नेक्स्ट चल जाते हैं नीचे, थोड़ा जाकर बात कर लेते हैं हमारी एग्जामिनेशन सेंटर की। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर है तो बद्दी, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ठीक है। तो आप ये भर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, बाकी आपको डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर आता है ये आपको बाद में ही पता लगेगा। अगर आप सिरमौर से रहते हो तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से आप सेंटर भर सकते हो, शिमला में रहते हो तो शिमला से, सोलन से, सोलन से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हो तो आप वहां पर देख सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपको अप्लाई करना है सेंटर के लिए। बाकी इसमें कुछ वही दिया गया है सिंपल, आपको यहाँ पर बताया गया है कि कितनी आपकी साइज होनी चाहिए फोटो का, कितने आपके सिग्नेचर का होना चाहिए, किस तरह से आपको भरना है, डायमेंशन क्या होनी चाहिए। वो आप पहले भर चुके होंगे एक बार फॉर्म, जो ग्रेजुएशन करके निकले हैं उन्होंने पहले भी फॉर्म भरे होंगे तो उनको पता होगा। तो इस जो ये नोटिफिकेशन था इसमें इतना ही था। अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग वगैरह की, तो वो इसके लिए भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इजिली। तो आपको एग्जाम देना चाहिए एक बार, ठीक है, बाद में सिलेक्शन हो जाती है, बाद की बात बाद में है, बट एक बार जरूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, आप नहीं भरना चाहते तो किसी और के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।